ओम नमो शिवाय। सांझी वेरा में आपका स्वागत है। गौरारी, संकटा, पिन्नी, सुहागिने बहुत से नाम से ये जाना जाता है। आपने सुना होगा वो गौरारी खिला रही हैं, वो संकटा खिला रही हैं, बहुत से लोग आपको भी कहने आते होंगे। तो जब भी आपको कोई संकटा का न्योता देने आए तो कभी भी आप उसको मना नहीं करें, जब तक आप किसी मुश्किल में ना हो या आप किसी कारण से ना जा सकते हो, क्योंकि इसको खाना और खिलाना दोनों ही बहुत ज़्यादा पुण्य का काम होता है। इसका नियम अलग अलग होता है, कहीं किसी तरह से खिलाते, कहीं किसी जगह पर बहुत से लोग इसको तौल तौल के खिलाते हैं, 100-100 ग्राम खिलाते हैं, 250-250 ग्राम कहीं पर खाना खिलाते हैं, कहीं पर जैसा भी हो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि संकटा और गौरारी में क्या अंतर होता है। तो आइए पहले सबसे पहले जान लेते हैं गौरारी या सुहागिन किसे कहते हैं, क्यों करते हैं। गौरारी या सुहागिन हम जब करते हैं, जब बहुत खुशी का माहौल होता है, हमारे बेटे की शादी होती है तो हम सुहागिनें खिलाते हैं, हमारी बेटी की शादी होती है तो हम सुहागिनें खिलाते हैं, या ऐसा होता है हम बोलते हैं हमारा बेटा पास हो जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारे बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, तब हम सुहागिनें खिलाएंगे, माता हमारी मनोकामना पूरी करना, इस तरह से होता है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है, अच्छा कार्य होता, खुशी का कार्य होता, तो हम गौरारी खिलाते हैं, सुहागिनें खिलाती हैं। अब गौरारी और संकटा में क्या अंतर है? संकटा कब खिलाते हैं? ऐसा होता है जब बहुत ही विषम हमारे ऊपर संकट आ जाता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, कोई ऐसा काम होता है जिसका बनना बहुत ज़रूरी होता है और नहीं बनता है, तो हम घबरा जाते हैं, तो हमारे मुँह से उस टाइम यह नहीं निकलता कि हम सुहागिनें खिलाएँ, हमारे मुँह से निकलता है हे संकटा माँ, संकट काटो, हम आपकी पूजा करेंगे, हम संकटा माता आपको संकटा माता खिलाएंगे, इस तरह से बोलते हैं। तो संकट के समय, विषम परिस्थितियों में जब हम बोलते हैं तो वह संकटा माता होती हैं, संकट काटने वाली होती हैं। तो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि संकटा और गौरारी में क्या अंतर होता है। संकटा या सुहागिनें जब भी आप खिलाएं, बड़े प्रेम से खिलाएं, उसके बाद घर में भजन कीर्तन करें और जो भी सुहाग का सामान अर्पण करें और सुहागिनों की प्रेम से विदाई करें, उनको दक्षिणा भी दें और आदर भाव से उनकी विदाई करें। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसे ही जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले मिले। ओम नमो शिवाय। जय माता दी।